हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किट्टी की रसोई। फ्रेंड्स, आज मैं चिली चिकन बनाने जा रही हूँ। जब भी हम बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो हम चिली चिकन, बटर चिकन, तंदूरी चिकन यही ऑर्डर करते हैं। तो जो चिली चिकन है वो हमारी फेवरेट लिस्ट में होता है। नॉन वेजिटेरियन लोग चिली चिकन को बहुत पसंद करते हैं। चिली चिकन बहुत ही टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स, चिली चिकन को आप घर पे ही बाज़ार से भी बहुत ही अच्छा बना सकते हो। चिली चिकन घर पे बहुत टेस्टी बनता है और इसको बनाने के लिए बहुत कम समय लगता है। चिली चिकन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चिकन को मैरिनेट करके चिकन को फ्राई करना होता है। तो चिली चिकन को बनाते हुए आपको क्रिस्पी चिकन खाने को भी मिल जाता है। अगर आप चिकन के पकौड़े पसंद करते हो तो आप इसी तरह से चिकन को फ्राई करके भी खा सकते हो और उसके बाद में बचे हुए चिकन का आप चिली चिकन भी बना सकते हो। चिली चिकन तंदूरी रोटी के साथ में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे आप नॉर्मल चपाती पराठों के साथ में भी खा सकते हो। जब भी घर में पार्टी हो, गेट टुगेदर हो या किसी गेस्ट ने आना हो तो आप चिली चिकन को बना सकते हो, क्योंकि चिली चिकन जो है ये झटपट से बन के तैयार हो जाता है। ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और जब आप चिली चिकन बनाओगे तो आपके गेस्ट भी खुश हो जाएंगे। तो आप इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, चिली चिकन को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल किट्टी की रसोई को और बेल आइकन दबाइए मेरी लेटेस्ट कुकिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, चिली चिकन बनाने के लिए सबसे पहले हमें चिकन को मैरिनेट करना है, जिसके लिए सबसे पहले मैंने चिकन लिया है। ये मैंने बोन वाला चिकन लिया है। फ्रेंड्स, अगर आप बोनलेस खाना पसंद करते हो तो आप इसकी जगह बोनलेस चिकन भी ले सकते हो। चिकन को मैंने अच्छे से पानी से धो के साफ कर लिया है। फ्रेंड्स, इसके अलावा मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है और इसके अलावा हमें नमक, ब्लैक पेपर पाउडर चाहिए और सोया सॉस ली है मैंने। और इसके अलावा मैंने एग लिए हैं, मैंने दो एग लिए हैं फ्रेंड्स। और इसके अलावा हमें कॉर्नफ्लोर और मैदा चाहिए। अब हम एक बर्तन लेंगे और इस बर्तन में हम दोनों अंडों को तोड़कर डाल देंगे। अब हम इसमें अदरक और लहसुन के पेस्ट को डालेंगे। अब हम इसमें नमक और काली मिर्च के पाउडर को ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, हमें इसमें नमक दो बार में ऐड करना है, एक तो मैरिनेट के टाइम पे और दूसरा जब हम चिली चिकन बनाएंगे तो नमक जो है वो हम कम ऐड करेंगे। अब हम इसमें सोया सॉस को डालेंगे। अब हम इन सारे मसालों को अंडे के साथ में अच्छे से मिला लेंगे और अंडों को भी हम अच्छे से फेंट लेंगे। अंडों को हमने अच्छे से फेंट लिया है फ्रेंड्स। अब हम इसमें चिकन को डाल देंगे। चिकन को हम इन सारे मसालों के साथ में अच्छे से मिला लेंगे। इसके लिए हम अपने हाथों का यूज़ करेंगे ताकि सारे चिकन के ऊपर एग और मसालों की अच्छे से कोटिंग हो जाए। सारे चिकन के ऊपर एग और मसालों की अच्छे से कोटिंग हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर 4 चम्मच मैदा ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, हम जिस चम्मच से खाना खाते हैं मैं उस चम्मच के मेज़रमेंट से इसमें मैदा डाल रही हूँ। और अब 3 चम्मच मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। अब हम मैदे और कॉर्नफ्लोर को चिकन में अच्छे से मिला के लगा देंगे ताकि मैदे और कॉर्नफ्लोर की कोटिंग भी चिकन के ऊपर अच्छे से आ जाए। फ्रेंड्स, आप इसे अच्छे से मिला के देख लीजिए। अगर आपको इसमें मैदा या कॉर्नफ्लोर कम लग रहा हो तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा और कॉर्नफ्लोर और ऐड कर सकते हो, क्योंकि हमें चिकन के ऊपर अच्छे से मैदे कॉर्नफ्लोर की कोटिंग चाहिए ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो एकदम से क्रिस्पी चिकन बन के तैयार हो। चिकन पे हमने मसाले अच्छे से लगा दिए हैं फ्रेंड्स। अब हम इसे आधे से 1 घंटे तक मैरिनेट करेंगे। चिकन को हम फ्रिज में रख देंगे। अगर आपके पास में समय नहीं है तो आप इसे उसी समय फ्राई कर सकते हो।
जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है, हम चिली चिकन के लिए मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने प्याज लिए हैं। प्याज को मैंने बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है और उनके स्लाइसेस को अलग कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें प्याज को कट करके तैयार कर लेना है। इसके अलावा मैंने शिमला मिर्च ली है, शिमला मिर्च को भी मैंने इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। फ्रेंड्स, मैंने चिली चिकन को बनाने के लिए प्याज और शिमला मिर्च को ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है, क्योंकि मुझे चिली चिकन में प्याज और शिमला मिर्च बहुत टेस्टी लगते हैं। आप चाहें तो इसे कम क्वांटिटी में भी ले सकते हो। इसके अलावा मैंने लहसुन लिया है, लहसुन को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अदरक लिया है, अदरक को भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और इसके अलावा मैंने हरी मिर्च ली है, मैंने 3 से 4 हरी मिर्च को चीरा दे के कट कर लिया है। और इसके अलावा मैंने नमक और काली मिर्च का पाउडर लिया है। और इसके अलावा मैंने 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। और इसके अलावा हमें टोमेटो केचप, रेड चिली सॉस, विनेगर और सोया सॉस चाहिए। चिकन को मैरिनेट किए हुए आधा घंटा हो चुका है फ्रेंड्स। अब मैंने कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया है और ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है। ऑयल हो चुका है फ्रेंड्स। अब हम इसमें चिकन के पीसेस को फ्राई करने के लिए डाल देंगे। गैस को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखेंगे और चिकन के पीसेस को हम 2 से 3 बार पलट देंगे। फ्रेंड्स, चिकन को हमें क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। चिकन के फ्राई होने के बाद में फ्रेंड्स, आप चाहें तो चिकन को इसी तरह से भी खा सकते हो। चिकन के पीसेस बहुत ही टेस्टी लगते हैं। जो लोग फ्राइड चिकन पसंद करते हैं, उन्हें ये चिकन इसी तरह से बहुत पसंद आएगा। ये फ्राइड चिकन बाहर से बहुत ही क्रिस्पी होगा और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी होगा। देखिए फ्रेंड्स, चिकन जो है ये अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम चिकन के पीसेस को बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी बचे हुए चिकन के पीसेस को भी फ्राई करने के लिए डाल देंगे और इन्हें भी हम अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने चिकन को फ्राई करके तैयार कर लिया है। अब हम चिली चिकन बनाएंगे, जिसके लिए मैंने कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया है और इसमें मैं बिल्कुल ज़रा सा ऑयल ऐड कर रही हूँ और इसे मैं अच्छे से गर्म कर लूँगी। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें चॉप किया हुआ लहसुन ऐड कर दूँगी और लहसुन को मैं कुछ सेकंड तक सौते कर लूँगी। लहसुन हल्का सा भुन चुका है। अब मैं इसमें अदरक को ऐड कर रही हूँ और अदरक को भी हम अच्छे से मिला लेंगे। अब मैं इसमें कटी हुई हरी मिर्च को ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप तीखा कम पसंद करते हो तो आप इसमें हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हो। अब मैं इसमें कटे हुए प्याज और शिमला मिर्च को ऐड कर रही हूँ। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम प्याज और शिमला मिर्च को हल्का सा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। फ्रेंड्स, हमें प्याज और शिमला मिर्च को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, हमें इसे खाली हल्का सा सॉफ्ट ही करना है। मैंने ये कॉर्नफ्लोर लिया है, इस कॉर्नफ्लोर में मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसे अच्छे से मिला के इसका एक घोल बना के तैयार कर लूँगी। फ्रेंड्स, कॉर्नफ्लोर का घोल बन के तैयार हो गया है। प्याज और शिमला मिर्च भी हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। हम इसमें नमक और काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। और इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। अब फ्रेंड्स, मैं इसमें
टोमेटो केचप, सोया सॉस, विनेगर और रेड चिली सॉस को ऐड करूंगी। इन सारी सॉस को भी हम इसमें अच्छे से मिला लेंगे। फ्रेंड्स, चिली चिकन में जो टेस्ट है वो सॉस से ही आता है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉस को कम या ज़्यादा कर सकते हो। जैसे कि आपको अगर मीठा कम या ज़्यादा पसंद है तो आप टोमेटो केचप को उस हिसाब से ऐड कर सकते हो। तीखा कम या ज़्यादा पसंद करते हो तो आप रेड चिली सॉस उसके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ऐड कर सकते हो। अब फ्रेंड्स, हमने जो कॉर्नफ्लोर का घोल बना के तैयार किया था उस घोल को अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और गैस को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखेंगे। कॉर्नफ्लोर का लिक्विड डालने से इसमें एक ग्रेवी जैसा मसाला बन के रेडी हो जाता है। अगर आप ग्रेवी वाला चिली चिकन बनाना चाहते हो तो आप इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर सकते हो और उसके बाद में उसमें एक ग्रेवी रेडी हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, मैं ड्राई चिली चिकन बना रही हूँ इसलिए मैंने इसमें बहुत ही कम पानी को ऐड किया है। फ्रेंड्स, इसे हमें खाली कुछ सेकंड्स तक ही पकाना है। अब हम इसमें क्रिस्पी फ्राइड चिकन को ऐड करेंगे और चिकन को हम मसाले के साथ में, शिमला मिर्च प्याज के साथ में अच्छे से मिला लेंगे। फ्रेंड्स, हमने चिकन को फ्राई किया था इसीलिए चिकन जो है वो कच्चा नहीं है, वो अच्छे से गला हुआ है। इसीलिए हमें इसमें अब चिकन को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। हम चिकन के साथ इसको खाली 1 से 2 मिनट तक ही पकाएंगे। देखिए चिकन कितना बढ़िया लग रहा है। प्याज और शिमला मिर्च अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। चिकन जो है इसके ऊपर सॉस की एक लेयर आ चुकी है। चिली चिकन बहुत ही बढ़िया लग रहा है फ्रेंड्स और ये बिल्कुल बनके तैयार है। अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। चिली चिकन को आप गर्मा गर्म तंदूरी रोटी, नान, चपाती, परांठे के साथ में खा सकते हो। चिली चिकन बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। चिली चिकन को आप घर पे ही बाज़ार से भी बहुत ही बढ़िया बना सकते हो। आप इस रेसिपी को अपने घर पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ये सबको बहुत ही पसंद आएगी और अपने रिव्यूज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और कुछ भी पूछना हो इस रेसिपी के बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा यूट्यूब चैनल किट्टी की रसोई। थैंक यू फ्रेंड्स।